फिरोजाबाद थाना सुगाबाद क्षेत्र के गांव दिबाची निवासी वृद्ध की रात में घर के बाहर चारपाई पर सोते समय ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वृद्ध के बच्चे नहीं थे, इसलिए देवता अपनी पत्नी बच्चे के साथ उनके साथ रहता था। 80 वर्षीय सूरजपाल घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। सुबह 7:26 वर्षीय देवते ने नाना को मृत अवस्था में देखा। उनकी नाक और मुंह पर चोट के निशान थे। वहीं थाना पुलिस भी पहुंच गई। एसपी ग्रामीण ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। देखिए एसकेएस न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट फिरोजाबाद। देखिए आज सुबह 7:45 एसएचओ सिकोहाबाद को सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र में गांव डिवाइची है, वहां पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और वह मृत्यु अननेचुरल हुई है। इस सूचना पे तत्काल एसएचओ वहां मौके पर गए। उनके साथ हमारी जो फॉरेंसिक टीम है वो भी गई मौके पे। वहाँ पे छानबीन की गई है। छानबीन से पता चला कि उस गांव के एक 80 वर्षीय व्यक्ति जो अपने बेटी के बेटे के साथ यानी अपने नाती के साथ वहाँ रह रहे थे और नाती और उसकी वाइफ वहीं पे उनके साथ काफ़ी दिनों से रह रहे थे और आज सुबह में बाहर में जब वो सोए हुए थे तो उनकी डेड बॉडी मिली और उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं। हम लोगों ने वहाँ पे आसपास में सारी चीज़ें पूछताछ की है। मौके से जो भी हमारे एविडेंसेस हैं उसको हम लोगों ने कलेक्ट किया है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति का हाथ है इसमें और हम लोग बहुत जल्दी इसको वर्कआउट करेंगे। हमारी टीम्स लगी हुई हैं, जो भी अन्य वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। रामंस, क्या घटना हुई है यहाँ? हमारे नाना का मौत हो गया ईंटों से जी। क्या पता लगा है, किसने किया है, क्या अभी कोई पता नहीं चल रहा है। आप यहाँ कोई नाना के पास रहता था क्या, अकेले रहते थे? हाँ रहता था, मौसी का लड़का। अच्छा, लेकिन अभी कोई कारण पता नहीं चला किस लिए की गई है? अभी नहीं पता चला। इनका देवता यहाँ रहता था। अच्छा, और इनके पिताजी का नाम है सूरजपाल, के पिताजी का नाम रामचंद्र।